अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दिलनवाज। आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं तमाम अहबाब बाखैरियत होंगे। और बहुत सारे मुझे मैसेज वसूल हुए कि आप वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे। कुछ अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि आज से मैं कंटिन्यू वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। और अभी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ उम्रे के रिलेटेड। और उम्रे के रिलेटेड मैं आपको बताता चलूँ कि जो सबसे खुशी की बात है वो 4 अक्टूबर जिस वक्त उम्रा को इजाज़त दी गई दोबारा करने के लोगों को, पहले मकामी लोगों को, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक के लोगों को इजाज़त दी गई, तो उस इजाज़त के बाद अभी तक 7,94,000 अफराद ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। और अगर हरम शरीफ विजिट के हवाले से अगर बात करें तो अभी तक जो 67 लाख लोग हैं वो हरम का विज़िट कर चुके हैं, जो नमाज़ें पढ़ने के लिए आए हैं, जो विज़िट के लिए आए हैं, या जो तवाफ़ के लिए आए हैं। टोटल 67 लाख लोग अफराद इस वक्त जो विज़िट है वो मुकम्मल कर चुके हैं। इसकी अगर डेट की बात करता चलूँ तो ये 4 अक्टूबर 2020 से 16 जनवरी 2021 तक है। इसके बाद अगर आज जो जैसे डेट है 20 जनवरी 2021, तो आज तक मज़ीद कुछ ना कुछ अफराद इसमें शामिल हो चुके होंगे। नाजरीन इस वक्त मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि आप बताएं कि उम्रा कब शुरू हो रहा है, और बाकायदा तौर पे उम्रे का आगाज़ जो जैसे पहले की तरह इसका अरूज होता था, खुले तरीके से आवाम जाती थी, खुले तरीके से आती थी, वो कब से दोबारा स्टार्ट हो रहा था। नाजरीन अभी तक इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि उम्रा मुकम्मल तौर पे बहाल हो चुका है। लेकिन अभी जो एक न्यूज़ आ रही है वो ये है कि हरम में के जो पहले वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा रखी जाती थी, उन रिस्ट्रिक्शन में कमी कर दी गई है और हरम को तवाफ़ के लिए खोल दिया गया है। ये अभी की फ़्रेश न्यूज़ है। ये आज 20 जनवरी है, 20 जनवरी की फ़्रेश न्यूज़ आप समझ लें। नजरीन इसके बाद भी और भी मेरे पास आज न्यूज़ हैं जो कि मैं आप अगली आने वाली वीडियो में आप तक पहुँचाऊँगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट भी आने वाली वीडियो आप तक बजरिया नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचती रहें। मुझे दे मेरी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।